तो सिंपली आपको अपने गूगल में सर्च करना है कि लोहागढ़ फार्म हाउस क्लिक। अगर आप इसको फ़ोन के अंदर लॉगिन करते हो तो आप यहाँ पे राइट साइड पे क्लिक करने के बाद में डेस्कटॉप पे इसको कन्वर्ट कर लेना। एंड सबसे पहले आपके सामने जो दिखेगा वो दिखेगा बुक नाउ टिकट, ठीक है। इसकी जो टिकट है वो आप ऑनलाइन भी बुक कर सकते हो एंड ऑफलाइन भी कर सकते हो। तो ऑनलाइन कैसे बुक करते हो वो मैं आपको बता देता हूँ। आप सिंपली यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करोगे एंड जो इसमें जो रेट मिले आप देख लीजिए कि क्या किसके रेट हैं। तो आपके जो 10 साल से ज़्यादा के बच्चे और जो एडल्ट्स हैं हमारे उनकी जो टिकट है 1,000 रुपीज़ पर पर्सन रहती है, ओके। और जो इसमें 5 से लेके 10 साल के बच्चे हैं उनकी जो टिकट है वो 600 रुपीज़ रहती है। एंड अगर आपको इसको बुक करनी है तो सिंपली आप ऐड टू कार्ट पे बुक क्लिक करना। एंड उससे पहले आप यहाँ पे कितने लोग आप आ रहे हो वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना। मैंने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पे कर दिया। फिर यहाँ पे आपको देखना है कि आप कौन सी डेट में चेकिंग करना चाहते हो। तो जैसे कि मैंने आपको समझाने के लिए 18 कर दिया है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूँ, ऐड टू कार्ट पे क्लिक कर दूँगा। एंड इसके बाद में यहाँ पे आपको पूरा दिख जाएगा कि आपने किन किन की बुक टिकट बुक करी है एंड उनका अमाउंट क्या है। एंड टोटल अमाउंट आपको नीचे दिख जाएगा। आपको फिर यहाँ पे प्रोसेस टू चेकआउट पर क्लिक करना है। चेकआउट पर क्लिक करने के बाद में आप यहाँ पे बिलिंग डिटेल्स डालेंगे कि आपका फर्स्ट नेम क्या है, लास्ट नेम क्या है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस आपका क्या है। तो इसमें आपका एक ही बंदे का आप डाल देना तो उसमें वो सबका आ जाएगा। तो यहाँ पे आप प्लेस ऑर्डर पे जाओगे सीधा, आप फिर पेटीएम या फिर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, यूपीआई बैंकिंग, नेट बैंकिंग जो भी आप उसके थ्रू यहाँ पे ये पेमेंट कर सकते हो अपनी टिकट की। तो बात करते हैं, बट मैं आपको ये बताता हूँ कि आप अगर चाहो तो इसमें लाइक ऑफलाइन ही टिकट बुक करना, क्योंकि अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो तो यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन है आप ये पढ़ लीजिए कि अगर आप अपनी जो टिकट कैंसिल करवाते हो किसी भी रीज़न से या फिर एक्सचेंज करवाते हो तो वो उसका मतलब कुछ भी आपको रिफंड वगैरह कुछ भी नहीं मिलेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप वहाँ पर जाके ही ऑफलाइन टिकट बुक कर लेना, क्योंकि ऑफलाइन भी टिकट का प्राइस उतना ही है और ऑनलाइन भी उतना ही है। एंड जो इसमें एक दिन की कैपेसिटी है वो आपकी 5,000 लोगों की कैपेसिटी है। तो ऑलमोस्ट कि आपका मतलब फुल तो नहीं होने वाला है लाइक, बट सैटरडे संडे थोड़ा रश रहता ही है तो, बट इतना हो जाता है, इतना भी ज़्यादा नहीं रहता है। तो अब बात करते हैं फूड मेन्यू की। तो मैं यहाँ पर लेफ्ट करना है आपको, एंड लेफ्ट करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हो यहाँ पर 3 लेयर जा रही हैं जिन पर आपको यहाँ पर दिखेगा फूड मेन्यू। तो फूड मेन्यू पर क्लिक करना। इसका फूड मेन्यू मैं आपको पूरा बताता हूँ A to Z की क्या क्या इसमें रहता है, मॉर्निंग में एंड इवनिंग में और लंच में। तो सबसे पहले बात करते हैं जो हमारा फुल डे चलता है वहाँ पे, वो आपका मिक्स पकोड़ा, टी, ग्रीन टी, नींबू शिकंजी, छाछ, ठीक है। और यहाँ पे आपका गाजर मूली कटी हुई रहती है उसमें नींबू और मसाला डाल के देते हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें, रबड़ी, जलेबी, इमरती, कढ़ाई का गर्म दूध, ये आपका फुल डे चलता है, फुल डे, ठीक है। एंड स्पेशल फूड जो है आपका फुल डे रहता है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि मिस्सी रोटी, मकई रोटी, बाजरे की रोटी विद विद मक्खन, देसी घी, है ना, गुड़, बूरा, शक्कर, लहसुन चटनी, पुदीना चटनी, कड़ी, सरसों का साग, गुलगुले, कुरमा, बाजरे की खिचड़ी, ये आपकी फुल डे रहती है यहाँ पे। एंड अब बात करें ब्रेकफास्ट की, जो टाइमिंग रहती है यहाँ पे वो आपकी 9 से लेके 11 रहती है, बट आप 12 बजे भी ब्रेकफास्ट आपको मिल जाता है, ऐसा मतलब कि कुछ नहीं है। तो जो ब्रेकफास्ट में रहता है वो पूड़ी विद आलू की सब्जी के साथ में रहती है, स्टफ पराठा रहता है, वाइट मक्खन रहता है, चटनी रहती है, अचार रहता है, टी, हलवा, खीर, स्वीट में रहती हैं। एंड अब बात करते हैं हमारी लंच की। तो लंच में आप देख सकते हैं कि लंच की जो टाइमिंग है वो 1 से लेके 3 तक रहती है, बट 19:20 आप 3:30 बजे तक भी यहाँ पे या 4 बजे तक भी अपना लंच कर सकते हो। तो जो लंच में यहाँ पे रहता है वो आप देख लीजिए कि क्या क्या रहता है। आलू सब्जी रहती है, पेठे की सब्जी रहती है, गरम गरम पूड़ी रहती है, स्टफ पराठा रहता है विथ कर्व एंड वाइट मक्खन और अचार रहता है, टी एंड ग्रीन टी रहती है, लहसुन की चटनी रहती है, पुदीने की चटनी रहती है, हलवा, केसर खीर, शाही पनीर, कढ़ाई पनीर, राजमा, छोले, दाल मखनी, दाल तड़का, वेज रायता, बूंदी रायता, लहसुन वेज, मिक्स वेज, दम आलू, जीरा आलू, मटर मशरूम, कढ़ाई पकौड़ा, जीरा राइस, मटर पुलाव, तंदूरी रोटी, तंदूरी बटर रोटी, नान, रसगुल्ले, गुलाब जामुन, लहसुन चटनी, पुदीना चटनी, सलाद, पापड़, अचार, नूडल्स, आपकी ये रहती है लंच के अंदर, ओके। और अब बात करते हैं एक्टिविटीज़ की, इसके अंदर क्या क्या रहती है। तो यहाँ पे आपको सिंपली क्लिक करना है, यहाँ पे आपको दिखेगा एक्टिविटीज़ पे आपको क्लिक करना है।
एंड ये देखिए एक्टिविटीज़ के अंदर क्या क्या रहती है। तो सबसे पहले आपको गेम एंड स्पोर्ट्स की एक्टिविटी दिखेगी इसके अंदर। एंड मैं आपको बता दूं कि एक्टिविटीज़ जो इसके अंदर रहती हैं वो बड़ों के अलग और बच्चों के अलग अलग रहती है, क्योंकि कुछ झूले ऐसे हैं कि जो बच्चों के लिए हैं एंड बड़ों के लिए उसका फिर साइज़ थोड़ा बड़ा है, तो बच्चे वालों के लिए और आपके लिए दोनों के लिए डिफरेंट है। और इसमें आप देख सकते हो, आप इसमें क्रिकेट खेल सकते हो, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ट्रैम्पोलिन है ना, लट्टू, कुश्ती, कंचे कंचे गुले, डार्ट, कबड्डी, काइट फ्लाइंग, आप यहाँ पतंग भी उड़ा सकते हो, टग ऑफ वार है ना, चेस, लूडो, सेक रेस, खो खो, मटकी फोड़ एंड मैनी मोर, बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर रहती है आपकी। एंड जो राइड्स की बात करते हैं वो देखिए आप, कैमल राइड रहती है इसके अंदर, ट्रैक्टर राइड रहती है एंड मतलब बहुत सारी इसके अंदर राइड हैं। एंड इसके अंदर आप यहाँ पे पोइट्री मेकिंग कर सकते हो, पोइट्री पेंटिंग, डेयरी एंड फार्मिंग एंड एग्रीकल्चर जो भी रहता है, आप यहाँ पे पक्षियों को खाना भी खिला सकते हो। एंड इसके अंदर आप राजस्थानी एक ड्रेस रहती है वो आप पहन सकते हो मटके के साथ में, एंड उसके साथ फोटो खिंचवा सकते हो। और इसके अंदर चक्की रहती है आटा पीसने के लिए, और चरखा रहता है, और कंचे, गुल्ली डंडा, और मतलब बहुत सारी चीज़ें, मेहंदी स्पेशली जो गर्ल्स को पसंद होती हैं वो मेहंदी है, तो वो मेहंदी भी इसके अंदर होती है। और जो जेंट्स के लिए है वो मसाज, वो सर में मसाज करते हैं पूरा अच्छे से आपकी, एंड आप वहाँ चाहो तो अपने सर के बाल भी कटवा सकते हो, मसाज भी करवा सकते हो पूरा अच्छे से। और यहाँ पे देख मतलब बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर आप पढ़ लेना ए टू जेड, मेरा तो मुँह ही दुख गया बोलते बोलते, आप ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ लेना। एंड अब बात करते हैं यहाँ पे आने की, ठीक है। तो ये मैं आपको बता दूँ कि दिल्ली के NCR में लगता है बेसिकली, ये भी हरियाणा में आता है और बहादुरगढ़ में ये है अभी प्रॉपर। और अगर आप दिल्ली में से आ रहे हो कहीं से भी, तो आपको लास्ट स्टेशन जो आपका है येलो लाइन वाला हुडा सिटी सेंटर, वहाँ पे आपको जो इसका नियर बाय मेट्रो स्टेशन वो पड़ेगा, जहाँ से आई थिंक 25 या 26 किलोमीटर दूर है। आप चाहो तो वहाँ से कोई ऑटो कर सकते हो या फिर ओला कैब, ऊबर कैब अपनी बुक कर सकते हो। अगर आप चाहो तो घर से डायरेक्ट अपनी ओला कैब या ऊबर कैब आप अपनी बुक कर सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे आने के लिए, ओके। एंड इसके अलावा मैंने यहाँ पे पूरी ब्लॉगिंग की थी कि मतलब बच्चों की और अपनी भी खुद की भी की थी, तो मैं आपको वो ब्लॉगिंग के थ्रू एक टू जेड समझाने वाला हूँ कि क्या क्या चीज़ के अंदर आपकी रहती है और किस तरीके से रहती है। गाइस जैसे कि मैं बता दूँ आपको कि मेरे से बहुत सारे लोग पूछते थे कि भाई आप एक दिन का कोई प्लान बताओ दिल्ली के अंदर, जो हम नियर बाय अपना घूम के आ जाए अपने बच्चों के साथ में या फिर फैमिली के साथ में या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी है। एंड तो मैंने बहुत रिसर्च किया एंड मुझे किसी ने बताया कि लाइक ये लोहागढ़ फार्म हाउस है, यहाँ पे बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, मतलब सब लोग यहाँ पे आके एंजॉय कर सकते हैं। फार्म हाउस कहाँ है? मेरा फार्म हाउस एंट्री है, यू कैन सी। एंड ओ माय गॉड कितने कितने बच्चा, ये लेफ्ट राइट सेंटर, मेरा भांजा। तो सिंपली अभी एंट्री हो रही है हमारे यहाँ पे। टिकट वहाँ से लेनी होगी, टिकट यहाँ से मैं लेता हूँ, ये टिकट काउंटर है यहाँ पे, ऑफलाइन टिकट अपन ले सकते हैं। और ये हाथ में ये टिकट इन्होंने रोल कर दी, अभी यहाँ पे ब्रेकफास्ट टाइमिंग चल रही है जो कि हमारी 9 से 11 रहती है। तो यहाँ से भी अब हम लोगों ने अपना ब्रेकफास्ट ले लिया है। यहाँ पे जो सब्जी अवेलेबल है वो लाइक सीताफल है, आलू की सब्जी है, और खीर है, हलवा है स्वीट्स में, और पूड़ी है, पराठा है, बाकी मतलब अच्छा है, ओवरऑल अच्छा लगा मेरे को। एंड यहाँ पे जलेबी, रबड़ी, गरम माँ गरम दूध, और यहाँ पे चाय पकौड़ी मिलती है।
जैसे कि अभी गर्मी स्टार्ट हो जाएंगी तो हमारा यहाँ पे लस्सी और नींबू का पानी ऑल डे चलता है, तो बच्चों के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आप उनको मिनट मिनट में या 5-10 या आधे घंटे के बाद उनको आप लस्सी और नींबू पानी पिलाते रहना। उसके बाद यहाँ पे आपको गाजर मूली जो मैंने आपको बताया था वो कटी यहाँ पर मिलती है मसाले लगा के। एंड केर कल्याण में आप आगे जाओगे तो यहाँ पर आप लेफ्ट साइड में देख सकते हो, यहाँ पर मिरर है जो कि आपकी पर्सनैलिटी और डिफरेंट टाइप से दिखाते हैं। एंड ये देखिए आप बच्चों के लिए जो झूले, देखो बेटा वो कितने अच्छे हैं। ये मेरी भांजी है क्यूट सी और ये राइट वाली भी मेरी भांजी है और राइट वाला जो है वो मेरा भांजा है एंड उसके राइट में मेरी सिस्टर है। यहाँ पे मतलब कि बच्चों के लिए और बड़ों के लिए आप पूरा अपना एंजॉय कर सकते हो 1000 रुपये के अंदर। Oh, 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 oh
अरे रुक जाओ, थ्री पे, 1 2 3। और ये रेस कौन जीतेगा कुछ नहीं पता। ऊपर तक पहुंच चुके हैं और अब देखना होगा कहाँ जा रहे हैं ये लोग। और ये लड़की चीटिंग करके जीत गई, लड़का हार गया और एक लड़की पीछे खा रह गई, एक लड़की वहाँ पीछे टक गई है। अरे भैया तीसरे नंबर पे कौन है? इस खिलाड़ी ने वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ दिया है। और देखिए ये आरोप लगाया गया मोटे खिलाड़ी पर चीटिंग का, जीतने के लिए मैटर नहीं रखता कि कैसे जीते। ओके, सेहतमंद लड़की ने हरा दिया सबको।
नकली हॉन्टेड हाउस है। Thank you.
एक कोइन बनाया है सब, दो कोइन बनाई, नजर में आ जाए चलाखी पकड़ लेना। देखो साहब, कोइन जादू से नहीं बनते, जादू से कोइन बनाता मैं राजस्थान छोड़ के इधर नहीं आता। ये है सब हाथ की कलाकारी, एक ट्रिक है। चलो दो हो जाना चुरगु चुड़ू, झोले के अंदर से माटी लाएंगे, दो कोइन बनाई, दो हो जाना और दो बन जाना। तीन बार छड़ी घुमा देंगे और दो कोइन हम बना देंगे, दो हो जाना दो। नहीं वो मंजिल, देखो ध्यान लगाओ, अभी एक ही है और ये छड़ी है सब, और ये वाला हाथ खाली है सब, बिल्कुल खाली। कोइन अभी एक ही है, वो धोखा लग गया सर। देखो धोखा ऐसे लग गया, बोल दिया चुर उछड़ू, जब झोले में हाथ डाल दिया ना सर, वो धोखा लग गया। अब झोले में हाथ नहीं डालेंगे बाहर से, तो नहीं अभी एक ही है सर, बिल्कुल एक ही। कैच करो साहब, कैच करके देखो सर, कोइन सिंगल है या डबल है, ऐसा पकड़ो, थोड़ा खींच के देखो, दो हो जाएगी, नहीं हो रहे, एक दो जी, ऐसा पकड़ेंगे साहब कोइन। तीन बार छड़ी से कोइन को ठोकेंगे, एक दो तीन, माटी लगाएंगे, खींच के दो बनाएंगे, दोनों को मिलाएंगे, पंख लगाएंगे, बोल देंगे चुर गुचड़ू, आ जाओ भैया। दोनों कोइन को मुट्ठी में बंद करना, हवा मत निकालना, मैजिक होगा, ठीक है, मुट्ठी में बंद करो, बंद 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 बंद, बैठो चेयर पे, फूंक लगाना भैया, फूंक लगाना, कोइन फेंकना, खा मत जाना, फूंक लगा के फेंको, कोइन फेंको, बुआ जी खा गए, 20 रुपए खा गए। आपके पास कोई नहीं आए, ये भैया पास चले गए, खड़े हो जाओ, पास में आ जाओ। देखो साहब कोइन गए नहीं, ये लटक रहे, ठूस थोड़े झटका दो, जाओ बच्चा, देखना साहब ये है तो जादू वाली छड़ी, बैठो चेयर पे, देखना साहब अभी अलग है, तीन बोलेंगे जुड़ जाएगी, एक दो तीन जुड़ गई, देखना साहब ये छड़ी नहीं जुड़ी, इतना बड़ा धागा जुड़ गया, चुरगु चुड़ू, एलम में चलो, मैजिक में चलो, कलाकारी में चलो, सफाई में चलो, जादू में चलो, नहीं साहब यहाँ से अलग, ना कोई तारे ना कोई बाले, अब खींचे अब चलो, इसे खींचे अब चलो, और मैजिक में चलो, नहीं पीछे से बिल्कुल अलग, कलाकारी में चलो, सफाई में चलो, और मेरा कान पकड़ू अब चलो, ये है सर कन पकड़ी वाला, इसको अलग कर दो, देखना साहब दो कटोरी जादू वाली और तीन बॉल है कपड़े वाली, ये कपड़े की बॉल है सब, यहाँ से गायब हो जाएंगी, नजर में नहीं आएगी, जादू से गायब नहीं होंगी, हाथ की कलाकारी से, देखना साहब ये बॉल जा रही है दिल्ली, वन बॉल दिल्ली, चलो बॉल दिल्ली चले जाओ, चुरगु चुड़ू, दिल्ली चले जाना, दौड़ जाना, भाग जाना, दबक जाना, लुक जाना, ये बॉल चंडीगढ़ नहीं है खाली, चलो बोल चंडीगढ़ चले जाओ, बोलेंगे चुरगु चुड़ू, वो बोल चंडीगढ़ गई है सर, ये बोल बंबई नहीं है खाली, आप सब सब बोल दोगे मैं जादू से दो बना दूंगा, ये दिखाएंगे सर बिल्कुल खाली है, खाली अच्छे से देखा, ये बोल बंबई जा रही है, चलो बोल बंबई चले जाओ, बोलेंगे चुरगु चुड़ू, लटक देखो ये लटक, मैं आपको नहीं देखी, एक एक अब दिल्ली से आ गई, चंडीगढ़ से आ गई, बंबई से आ गई, समझ आया या नहीं आया सब, दोबारा दिखाई, ध्यान लगाना साहब, इस बोल का घरीदर बंद, इस बोल का घरीदर बंद, और देखना साहब ये बोले हमारी मुट्ठी में बंद, एक दो तीन, मुट्ठी वाली बोल जाए, दोनों बातें करने लग जाए, डब्बे वाली रह जाए, चलो तुम्हें बुलाया, ये निकली ये बैठी ये चली गई, डब्बा खाली कर गई, तीनों की मीटिंग चल रही है, अब दिखाएंगे सर सबसे बड़ी कला का, सबसे बड़ी कला है और सबसे बड़ा आइटम, और देखना सर इसी का नाम है जादू, ले भाई
नहीं, सांप सूप नहीं है सर, सांप यहाँ अलाउ नहीं। बोलो सर इसे खुला छोड़ दे या बांध के। देखो सर खुला छोड़ दिया पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, इसमें बांधेंगे साहब हम 13 लीटर। कल छोड़ दिया सर मैंने इधर को खुला, आगे गए बोलो कठपुतली का खेल देख ले, नीचे बुलाया कठपुतली का खेल देख ले। भाई बाहर निकल ही आना और गड़बड़ी मत करना, ये जानवर है ना सर, दिखने में थोड़ा सा खतरनाक है, काटता नहीं, काट भी लेता है कभी कभी, तो इसके काटने से आदमी मरता नहीं है बल्कि खाली खत्म हो जाता है। नहीं हमारे पास दवा है, देखो सर दवा यहाँ नहीं है, राजस्थान रखी है। हुआ भाई वाह, पकड़ लिया जानवर मैंने बाती बात में। इधर से साहब लोग मैडम लोग बच्चा लोग थोड़े होशियार, देखो भागना नहीं, भागोगे गेट तलक नहीं छोड़ेगा, बहुत स्पीड भागता है, थोड़े होशियार है, गड़बड़ी मत करे भाई, सिट डाउन प्लीज, बैठ जा। लो साहब ध्यान लगाना, पकड़ लिया जानवर, देखना सर ये जानवर की पूंछ है, ये खोपड़ी है, जानवर बाहर हुआ भाई, देखना सर इसमें पिजन था, वो पानी पीने गया, पिजन इधर बनेगा सर मिट्टी का, और ध्यान लगाना साहब मिट्टी का पिजन कैसे बनेगा, जिंदा पिजन है सर वो मैंने छुपा लिया, नजर में आ जाए पकड़ लेना। बोलो साहब टोकरी सिंगल है या डबल, सर इसमें कोई पिजन तो नहीं है, मैं झोले के अंदर से जड़ी लूंगा सर, जड़ी लाके यहाँ रखूंगा, इतना बड़ा पिजन बनके तैयार, ले ले साहब थोड़ी जड़ी, यहाँ से जड़ी लेंगे, खाली टोकरी इधर रखेंगे सर, नहीं झोले में कोई पिजन नहीं है, झोला खाली है बिल्कुल खाली, कपड़ा दिखाएंगे सर, ये कपड़ा देखो ये कपड़ा भी खाली है, नहीं टोकरी मैंने दूर रखा, पिजन है जो एरिया तो। सामने वाली टोकरी दिखाएंगे सर, ये भी खाली है, ये खाली टोकरी पलट दे सर, टोकरी पलट के नहीं खाली पिजन ही नहीं, ये बिल्कुल खाली है सर। नजर नहीं आएगा, देखना सर यहाँ नजर आएगा, ये डमरू है ये टोकरी है, और देखना सर पिजन ये रही, नजर नहीं आया यहाँ नजर आएगा, ये पूंछ ये खोपड़ी, आवाज सुनो सर पिजन की कितनी प्यारी आवाज, सुना दे सर आवाज, साहब लोगों को मैडम लोगों को बच्चा लोगों को तुम्हारी आवाज सुना, बोल ये बोला डमरू की आवाज, डमरू वार, देखना सर पिजन एरिया इसके ऊपर, बैठ जा, पर्दे के अंदर दिखा दूं सर या पर्दा हटा दूं, पर्दा हटा के दिखाएंगे सर, एक एक निकालेंगे पिजन नंबर वारी से, देखो दो दो पिजन निकाला पकड़ना मुश्किल हो जाएगा, हटा पर्दा और दिखा जलवा कैसा पिजन बनके तैयार, इसको बाद में निकालेंगे ठूस पिजन बार, कदरदान आदमी सर कला की कदर करता है, इतनी बड़ी चीज लुकाना छुपाना बड़ी मुश्किल का काम है, आप बोलो इसे मार दे, मारेंगे सर पाप लगेगा, क्या रख के इसका जोड़ा बना दे साहब, जोड़ा कपड़ा लगा के, बोलो सर या खुला बनाए ओपन, ओपन बना दे, वो पहाड़ी पे पीछे पेड़ दिख रहा सर बड़ा सारा, देखो कितना बड़ा पेड़, नहीं सर उस पेड़ से हटचुर गुचड़ू चुर गुचड़ू का जादू, हटा पर्दा दिखा जलवा कैसा जोड़ा बनके तैयार, इसी कला पे इसी एटम पे आप जैसे साहब लोग खुश होके इनाम दे के जाते हैं, या मेरे मालिक तेरे इनाम से, ये इनका रूम है सर, कम ऑन सिट डाउन रूम, इंग्लिश पढ़ाया सर ये 11वीं में फेल हूँ, इसी के लार सर मेरा मैजिक मेरा जादू फिनिश, ये बंगाल का जादूगर है।
राम जी सर, राम राम जी, राम राम जी सर, राम राम जी, राम राम जी।
आई होप गाइस कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो के अंदर सिर्फ मैंने आपको यही बताया कि आप एक दिन के अंदर अपना एक टूर प्लान बना सकते हो, जिसमें आप और आपके बच्चे, फैमिली, जो भी आप सारे मेंबर आप आ सकते हो, एंजॉय कर सकते हो। एंड बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पे, मेरे को भी बहुत मज़ा आया था अपनी फैमिली के साथ में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप उसको लाइक कर देना, कमेंट कर देना। अगर आपको कुछ पूछना होता है तो सिंपली कमेंट में पूछ भी सकते हो। एंड इस वीडियो को हो सके तो